की सब्जी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने कद्दू बहुत सॉफ्ट है उसको छोटा छोटा काट दिया, इसलिए मैंने उसके छिलके भी नहीं उतारे। और इसके लिए मसाले, ये खड़ी लाल मिर्च, हरी मिर्च, देगी मिर्च, ग्रेटेड अदरक, धनिया, धनिया पत्ती सजाने के लिए, कड़ी पत्ता, हींग, मेथी दाना, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सौंठ पाउडर, हल्दी, अजवाइन, जीरा, इन सबको मिलाकर 2 चम्मच सरसों का तेल यूज करेंगे और कद्दू की सब्जी बनाएंगे। सरसों का तेल गर्म हो गया, इसमें मैं सबसे पहले मेथी दाना डालूंगी 1 टेबल स्पून। मेथी दाना जैसे ही होगा उसके साथ ही हम इसको कड़ी पत्ता, अदरक, हरी मिर्च, खड़ी लाल मिर्च, ग्रेटेड अदरक, इन सबको सेकेंगे अच्छे से। अब इसमें जीरा, अजवाइन, लाल मिर्च स्वाद अनुसार, हल्दी, सौंठ पाउडर, धनिया पाउडर, देगी लाल मिर्च, नमक, इन सबको डालकर हींग, इसमें अब मैं अपने कांची फल को थोड़ी देर रोस्ट करूंगी। सारे मसाले बहुत अच्छे से सीख गए हैं, मैं उसमें कद्दू को थोड़ी देर तक 2-4 मिनट तक रोस्ट करूंगी अच्छे से। हमारा कद्दू बहुत अच्छे से मसालों के साथ रोस्ट हो गया, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको लो फ्लेम पर कुक करूंगी जब तक कद्दू अच्छे से पक ना जाए। हमारा कद्दू बहुत अच्छे से पक गया, अब मैं इसमें गरम मसाला, चाट मसाला, थोड़ी सी चीनी क्योंकि ये खट्टा मीठा अच्छा लगता है, और धनिया पत्ती। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है।